सुप्रभातम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे हार शब्द है, शब्द में जब विभक्ति लग जाती है तब वह पद बन जाता है, जैसे हारह पद बन गया। भू धातु से हुआ भवती, लट लकार में भवती होता है। सम उपसर्ग लगाई तो सम जोर भू, सम भवती, संभव होता है। गति चाल, प्र जोर गति ही, प्रगति ही, इसका अर्थ हो गया उन्नति। गति का अर्थ हुआ चाल, प्र उपसर्ग लगाने से प्रगति उन्नति। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और से साथ हम लोग ये याद कर लें, और से अव, अप, अति, अधि, अभि, अपि, अनु, आ, आ से एक ही है तो ये हो गया 7 1 8। हर्षहु से उप, उत, उप में हलंत नहीं होता है, जैसे उपकारः, उपगच्छति, पास जाता है। उत में हलंत होगा, जैसे उत जोर चारणम, उच्चारणम। सचुत संधि से तवर्ग के बाद चवर्ग होने से तवर का चवर्ग हो जाता है। इसी तरह से लत् संधि से उत जोर लेखः, उल्लेखः, उत जोर लाशः, उल्लाशः। उत जोर पत धातु से लगाएंगे, पत धातु के पहले उपसर्ग लगाते हैं तो उत पतति, उड़ता है, जैसे खगा आकाशे उत्पतंती, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस तरह से। इसके बाद फिर प से चार हम लोग पढ़ेंगे, प्र, प्रा, प्रति, परि, दुष, दुर, ये दो हो गया, दुष, दुर। नी से 3, नी, निश, निर, जैसे नी से निषेधा, निषेधा मतलब मना करना, निश से निस्संदेह, निर से निर्बल, निर्जन आदि। इसके बाद सु, सुपुत्र, सम, सम उपसर्ग से जैसे बनाएंगे, सम जोर सारा संसार, सम जोर कार संस्कार, सम जोर कृतम संस्कृतम, इस तरह से। वि उपसर्ग से विहार, घूमना फिरना, वि में हार शब्द डाले तो विहार, घूमना। अब आगे हम लोग यहाँ हार, हार पद के, हार तो शब्द हुआ और इसमें पर ये हार, हार का अर्थ हुआ, एक हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, एक हार शब्द का अर्थ होता है माला, जैसे हीरे का हार है ना। यहाँ हार पद के साथ कुछ उपसर्ग लगाते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि उपसर्गों के योग से एक ही पद का अर्थ किस तरह बदल गया है। प्रहारः मारना, आहारः भोजन, शम, शम जोर हारः संहारः संहार करना, वि जोर हारः विहारः घूमना फिरना, परि जोर हारः परिहारः सुधार करना। इसी तरह से उपहारः उपहार, भेंट, गिफ्ट बोलती हैं, भेंट या सौगात, उपहारः। इसी प्रकार गच्छति पद के साथ उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। गम धातु का अर्थ होता है जाना, गच्छति जाता है, उप उपसर्ग लगाए उपगच्छति पास जाता है, जैसे छात्र शिक्षक के पास जाता है, छात्र शिक्षकम उपगच्छति। इसी में अनु उपसर्ग लगाइएगा तो अनुगच्छति पीछे जाता है, तो छात्र शिक्षकम अनुगच्छति, छात्र शिक्षक के पीछे पीछे जाता है। सीतारामम अनुगच्छति, सीताराम के पीछे जाती हैं। इसी तरह से निर्गच्छति निकलता है, गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, वह कमरे से जाता, कमरे से निकलता है, सह कक्षात, कक्ष का अर्थ होता है कमरा, सह कक्षात निर्गच्छति।
आगच्छति, वह आता है, वह गांव से आता है। सह ग्रामात आगच्छति, अवगच्छति समझता है। अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है। उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। गृह कार्य कर लीजिएगा, स्मरणीयम याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।